ना ना, और दरअसल न्यू जर्सी कहा चाहत रहनी, लेकिन धोखा से न्यूयॉर्क निकल गई। असल में एक समय नाम में हमरा तनी कंफ्यूजन हो जाला। एकदम ठीक कहलू बबनी, हमरो ये समस्या बा, कोनो बात नहीं खे। माँ आपके बात अलग बा, आप तो अपन सारा जिंदगी यही देश में बिता देनी, लेकिन प्रियंका सालों साल विदेश में रह के आई बिया, तो कम से कम अपन स्टडी अपन यूनिवर्सिटी से लेके कोनो कंफ्यूजन तो ना रहे के चाहिए। आई एम सॉरी, हम तनी नर्वस हो गए रहनी। देखो मंजली दुल्हन, जब केहू लड़की देखे जाला नू तो लड़की के छोड़ के सब के कॉन्फिडेंस लेवल ढेरे हाई रहेला, टेम्परेचर लेखा। लड़की के तो ऐसे ही कंफ्यूजन रहेला, पता ना का कहाँ से कैसन क्वेश्चन पूछ दी, ठीक कहनी नू? रउआ और हम एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट बनी, सुन के अच्छा लगल। बहुत मान मुनावल कह के हम अपन लड़का के ईजा लेके आयल बानी। निखिल हमरा बतावा प्रियंका तोहरा कैसन लागल? माई अच्छा बबुनी तू ही बता दा, हमार बबुआ तोहरा पसंद पड़ल की ना? मम्मी प्लीज, एक्चुअली लड़की देखे के तरीका हमरा के पसंद ना आयल। एक लड़की के बीच में बिठा के चारों तरफ से सवाल ही सवाल। छोड़िए सब, ये बताइए कि राहुल फ्यूचर प्लान्स का बा, बिजनेस करे चाहता नहीं या जॉब? सच पूछे तो ऐसे कोनो प्लानिंग नहीं के, लेकिन हमार स्टडी अगर हमार फैमिली के बिजनेस के काम आ सके। फैमिली बिजनेस ना प्रियंका, इम्पॉसिबल। हमार घर में ये तीनों भाई ही काफी बड़े ये बिजनेस के हैंडल करे खातिर, और हमार घर के लेडी लोग के वो सब देखे के जरूरत ना पड़ेला। ई घर में घर से लेके ऑफिस तक सब हमार कंट्रोल में रहेला, और अपन कंट्रोल हम आउट ऑफ कंट्रोल तक ना होए दे। एकरा मतलब इतना पढ़ाई लिखाई जो उन्हें कैले बिया ओकरा पर पानी फिर जाए? अरे आजकल के लड़की लोग सब अपन पैर पर खड़ा होके चाहत रहेली। और तू काहे प्रियंका, तोरा काहे कुछ नहीं के करे के? एक्चुअली आंटी शुरू से ही नौकरी से कई ज्यादा हमार चाहत एक खुशहाल परिवार के रहे। राउर हॉबी का बा? हॉबी गीत और संगीत। ऐसे कौन तरह के गीत तारा पसंद बा? सुने खातिर तो सब तरह के संगीत सुन लेवे नी, लेकिन अगर पहला पसंद पूछा था तो उबा भजन कीर्तन। भजन कीर्तन अमेरिका में कैसे? भजन कीर्तन तो हमार घर के परंपरा बा, अब चाहे देश हो की या विदेश, अब आपन संस्कृति कैसे भुला दी, बचपन से आपन घर में ही सुन सुन के बड़ी भइल बारी। अब तो 50 तरीके के साधन हो गए बा सुने सुनावे के, लेकिन पहले इंडिया से लौटत समय सीडी कैसेट के एगो एक्स्ट्रा लगेज भर जात रहे। केकर भजन तारा ढेर पसंद बा? विद्यापति, रस खान, तुलसीदास, मीराबाई। का महारानी जी, तू कहलो गुरु माँ के कान, ऐसे का कह देलू हमरा बारे में, क्यों हमरा से बात भी नहीं की करल चाहत? कुछ ना, बस यही कि हमरा ऊपर विश्वास रखी। अच्छा, माने तू कह देलू और वो मान भी गई ली और कर ले ली तेरा पे विश्वास? एक बात समझ नहीं की आवता भौजी, आप हमार ब्याह तोड़े खातिर गुरु माँ के साथ सांठगांठ कर लेनी? समझ आ गई, आपकी ये डर बा कि हमार गईला के बाद ये घर के खर्चा पानी कैसे चली। हाँ नो, आपके का लागत, नंदू के दवाई, घर के जरूरी खर्चा, ये सब हम एकदम बुला के ब्याह की बेड़ी पर बैठ जाए। भाऊजी हमरा मालूम बा कि हमरा घर के आमदनी के स्रोत का बा, और यू अंदाजा बा कि हमार ब्याह के बाद ये घर कैसे चली। दादा रे दादा, तहरा कमाई से घर के राशन आवता माने तो कुछ हो काबू। हमू देखा था नहीं कि ई जिम्मेदारी ब्याह के बाद में जिंदा रहेला या फिर सब दिखावा बा तहार। और ब्याह सुन के जो तू इतना चाहता तरू कि करा संगी होता
ना नाम ना पता कुछ तो मालूम नहीं खे, सब तो हवा में बा। कहीं ऐसा तो नहीं खे कि तहार ब्याह भी हवा के साथ हो जा और तो हवा हवा ही बनकर और मच जाई हा। अब तो जे भाग्य में लिखल बा वही होगी, लेकिन हवा साथे ब्याह खातिर 1,00,000 रुपया की जरूरी ना पड़ेला भौजी। और वैसे हमरा मालूम बा मौसा जी के हवा में बात करे की आदत नहीं खे। एकर ब्याह तो बाद में देखम, पहले पता करी कि गुरु माँ काहे पलटी मार गई ली, ऐसा कौन जादू मार देली भैया ई ढोंगी पुजारन। आपन बात से भौजी के मुंह ता बंद कर देनी, लेकिन सच ता एह बा कि लड़का के नाम पता सब हवा में ही बा। मौसा जी काहे देत नहीं खे, काहे? सच पूछी ता जे लोग के आप नाम ले ले बानी ओ में कोई एक के नाम लेहल दूसर के अपमान होके। हमरा ता आपके लेगी हद से ज्यादा पसंद आ गेल बिया। लेकिन तोरा कुछ बोले पूछे के बा? रउआ परफेक्शन में कितना विश्वास करेली? सही ढे ले बानी बबुआ, हम तो एकरा नाम ही मिस परफेक्शनिस्ट रख दे ले बानी। हाँ, अरे जब तक कोनो काम साफ सुथरा तरीके से कंप्लीट ना होखी तब तक ओ काम के छोड़े के नाम ही ना ले। ये तो बहुत निमन बात बा, एकदम हमार मजली पतो जैसन। एकर मतलब ई बा कि मजली और छोटकी के जोड़ी एकदम फिट रही। वैसे हमार निखिल के भी गुण कुछ ऐसा ने बा। का निखिल परफेक्शनिस्ट? एगो बात बता दी आप सबके, हमार बिटिया के पूजा पाठ दान धर्म में तनी बेसी ही मन लगेला। साचो कहो? हाँ, असल में अंटी नरमे ही नारायण का वास होला। अब ई बात सुन के तो हमरा ही कहे के पड़ी कि आप लोग विदेश में रह के भी आपके लड़के के एकदम देसी संस्कार देने पर। निखिल तोरा प्रियंका से एकांत में कुछ बात करे के बाका, जा कला। अरे माई हो तो रहल बा बात। अच्छा ठीक बा, ई बात बात तो सब होत रही। हम कहत रहनी कि अब बात के फिक्स करके हम। माँ इतना जल्दबाजी कई का ठीक होगी? आई मीन कि हमनी के पहले निखिल संगे बातचीत कर लेवे के चाहिए, ओकरा बाद डिसीजन लेवल ज्यादा अच्छा होगी। माई अभी तक हमरे प्रॉब्लम पे चर्चा ना भई। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम बबुआ? बात ही बाकी बचपन में निखिल के केहू किडनैप कर दे रहे और अनहार कमरा में ओकरा बंद कर दे रहे। ओ दिन से लेके आज तक अंधकार देखते ही निखिल घबरा जाला, डरा जाला। निखिल के कहे के बस यह मतलब रहे कि जौन भी लड़की से ओकर ब्याह होगी का ओ लड़की हमार बबुआ की प्रॉब्लम समझी, ओकरा स्वीकार कर पाई। अंकल जी जैसे लड़का की इच्छा और उम्मीद होला ना, उही तरीके से लड़की के भी इच्छा और उम्मीद होला। अगर एक मजबूत रिश्ता बनावे के बा तो एक दूसरा के पसंद नापसंद के ख्याल रखल जाला, तभी बनेला। हमर कहे के मतलब बा कि राउर दिमाग में भी कुछ सवाल होखी तो पूछ ली। सच पूछी तो जीवन से बहुत उम्मीद नहीं खे, जे मिलल बा ओहे हमरा खातिर अधिक बा। आपकी ये बात समझे में बेसिक समय ना लगी, रह गेल आपकी समस्या तो हमार आंतरिक प्रयास रही कि आपके समस्या हमेशा के खातिर दूर कर दी। आपके साथ आपके पास रह के ई काम में हमका बेसिक समय ना लगी। उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस देने भी आई लड़की, एक शब्द में कहीं तो महानायिका। हम तो कहते हैं कि एक दिन आप लोग भी हमारे घर पधारी। निखिल तू नंबर ले ला, बातचीत होत रही तो एक दूसरा के मन समझे में आसानी रही। माई ऑलमोस्ट बात तो हो गई तो। अरे ये लड़का भी ना
कितना लज्जाला। प्रियंका तू ही अपन नंबर दे दे। माँ नंबर सेकेंडरी बा, ओ से पहले ई लोग के तनी अपना घरे आवे दी। लड़की देवे वाला बात बा, ई लोग के भी अच्छे से समझ बूझ लेवे दी। बातचीत तो होत रही। बातचीत से हमरो याद आई झा साहब, एगो बात हमरो बहुत जरूरी करे के बाप से। का मानू प्रियंका के दादी के तबीयत बहुत खराब रहेला। डॉक्टर साहब कहले बारन ऑपरेशन करे पड़ी और ज्यादा टाइम नहीं खे। तो हम चाहत रहनी कि ये सब काम जल्दी से निपट जात और हमहूँ कन्यादान करके गंगा नहा ले। मतलब आप लोग के डिसीजन जल्दी मिल जात हमरा फेवर में तब अच्छा रहित। हाँ हाँ जरूर जरूर, हमनी के तनी आपस में विचार कर जाई और उसके बाद रुआ के निमंत्रण भेटा जाइए आवे के। ठीक बा, अब आज्ञा दिए। ओहो भाग्य, धन्यवाद। चलिए नमस्कार। आओ नमस्कार नमस्कार। शाबाश, एक शब्द में कहीं तो असाधारण परफॉर्मेंस। एक मिनट के लिए तो हम भुला गए नहीं कि सात बाकी नाटक की कहला एक्टिंग। मिस्टर झा और मिसेस झा हम लोगन के आपन घर आवे के नेवता देके गेल बाड़न। देले बाड़न तो जाए के तो पड़ी। और ई बा हमर सफलता के अगला पड़ाव। मोनाली के चिकन चुनमुन बात सुन के जिसे झा के खुशी देखत रहनी, खूब खुश रहनी, बहुत खुश। एक शब्द में कहीं तो पिघल गई रहनी। हाँ याद रखी है, जे दिन आप लोग के उनके घरे जाए के पड़ी उहे दिन ब्याह के डेट तय हो जाए के चाहिए। आपन माई के बीमारी के ऐसन पासा फेंकी है कि मिसेज झा काल के बदले आज ही ब्याह के लिए तैयार हो जाए के चाहिए। अब बारी बा श्यामा के। पुरुषोत्तम के फोन करके कह दी कि आपन सामान बांध के निकल ला औजा से। श्यामा के भी तनी शहर के हवा जरूरी बा, तब न हवा के रुख हमार तरफ घूमी। ए दीदी। का भाई बबुआ? देखी ना भौजी, सोना वाला बटन ले 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 बाड़ी जौन तू कहले रहलू कि शहर वाला भैया के बा। तू भौजी से कहला ना कि हमनी के नहीं खे। भौजी के कर सुनली जे हमार सुनियन। का कहली ऊ? ना कुछ कहली ना कुछ सुनली, चुपचाप लेके रख लेली का। रुका भौजी। ओ भौजी का भइल, काहे चिल्ला तरु? तू जा बबुआ, तू नंदू से वो बटन ले लेलू। तो ले लेली तो का हो गई? ऊ हमनी के नहीं खे। याद बा उ दिन झाजी के छोटा लड़का आयल रहने हमरा घरे पहुंचावे, ई उनकरे बा केहू के हेराइल चीज रखला ठीक नहीं खे। ओ लोग गुरु माँ के संबंधी बारन कली सोचले रहनी कि हाली हाली में दिमाग से उतर गई, आज जाके गुरु माँ के हाथ में दे दे। लाई दी हमरा वो बटन। अच्छा तो ई बटन उस शहर वाला हीरो के बा, ऐसे तारा के कैसे पता चलल? और ई नंदू के कहाँ से भेटाई? कहने से बिसर गई लू, जे दिन वो हमरा के घरे पहुँचावे आयल रहने हो सकेला वही दिन गिर गई हुई और नंदू के आंगन में भेटल रहे। अब दी। अच्छा तो देलू काहे ना, वैसे भी ये आज के बात का नहीं खे। सामा सच सच बोलिया, देबे के मन रहला ये तो हड़प लेबे के। बोले से पहले सोचे के चाहिए भौजी, भेटाए से का हुई धन पर अधिकार ओकर मालिक के ही रहेला। दादा रे शुरू हो गई प्रवचन, बात तो ऐसे करेली जैसे मोह माया से ऊपर उठ गई दिया। का भइल दुल्हन, कौने बात के हल्ला होता? अरे माई ई देखा, ई सोना के बटन उस शहर वाला हीरो के बा, जे ई छुपा के रख ले ले रहली, जब हम देख लेनी तो कहत या वापस देबे के बा। दूसरा के संपत्ति बा आपन ना। दूसर के बा और देबे के बा ये सच बा भौजी, हमरा के ऐसा शिक्षा संस्कार नहीं के मिलल कि हम दूसरा के सामान रख ले। अच्छा।
अच्छा तो यही से छुपा के रख ले रहे हो तू एकरा के छुपा के रख ले रहे थे तो आपकी मिलत कब भौजी लेकिन तू लेहलू का है दुल्हन ना तो हमार बा ना तो तुहार बा वैसे तो माई इस श्यामा के भी नहीं है और इतना दिन से छुपा के काहे रख ले रही है और गुरु माँ के देवे के नाम तो लीहा मत काहे कि तू इतना बार गुरु माँ से मिल चुकल बाड़ू ते देलू हा काहे ना कहीं खुद मिल के देवे के विचार तो नहीं है का जाने का खीर पूरी पकत हुई उस शहर वाला हीरो के साथ बेकार की बात मत करा दुल्हन माने जीभ में हड्डी ना है तो बात कहीं भी घुमा देबू हाँ द बटन द श्यामा के वो गुरु माँ के देख बाद निकाला काहे नहीं की निकाला द बटन ओके माई आपकी बेटी के मती ना फेरल गई बा दूसरा के सामान तो ऐसे संभाल के रखे ले जैसे ओकरा के वापस करी तो ओकरा के बहुत बड़का पुरस्कार मिल जाए आत्म संतुष्टि से बढ़ के कोनो पुरस्कार ना होला दुल्हन दूसरे के चीज तो दूसरे के ही होला ना आपा ना आत्म संतुष्टि वो तो हमरा के मालूम पड़ गई ना तो आपके ना कानो कान भनक ना पड़े देती हूँ भनक तो हमरा मालूम नहीं थे लेकिन हमके इतना जरूर मालूम बा कि श्यामा आज ना तो कल ई बटन गुरु माँ के जरूर लौटा दे लेकिन हमरा की एक बात समझ में नहीं आवा था कि तू दूसरे की चीज पे तोहार जीभ काहे इतना लपलपाता बेवकूफी हो गई नंदू से छीने के ना चुरा लेबल चाहत राला एगो नीमन झुमका हमरा हाथ से फिसल गई निखिल अब बस बहुत हो गई ना अब जल्दी से हमरा बतावा कि प्रियंका तारा कैसे लागे माई सवेरे सवेरे खाली एक ही अध्याय रहेला आपके पास बस एक ही एजेंडा पे बात करेलू तू हाँ हमरा पास बस एक ही एजेंडा बचल बा तोहार ब्याह बता बा प्रियंका के जब हम पहली बार देखनी हो तभी हमरा वो लड़की पसंद आ गेल रहे और कल जब ओकरा से बात भइल बस कोनो शक ही नहीं के बचल देखा बबुआ भगवान हमरा कोनो लेखी तो नहीं देलन लेकिन हाँ अगर ऐसा पुतौ मिल गई ना तब उहो हमार भाग्य जल्दी से जवाब दे दे बबुआ नीचे सब केहू तहार जवाब के इंतजार करत बाड़न और अगर तहार हाँ होई तभी तो कुंडली मिलावल जाई और ऊ लोग के भी तो एहिजा बुलावे के बानू माई सवेरे सवेरे शादी के बात करल जरूरी बगा हाँ जरूरी बा सब काम छोड़ के इहे बात कहल बहुत जरूरी बा और बबुआ अभी तो बात शुरू कहाँ भइल बा कितना बात बचल बा अभी तक अगर तोहार हाँ होई तभी तो हमनी उ लोग से कहब फिर उ लोग यहीं जाई रिश्ता लेकर के फिर तिलक के बात होई फिर शादी के तारीख ठीक होई ओकरे बाद शादी के कपड़ा लत्ता गहना कितना कुछ बचल बा बाप रे बाप हमरा तो सोच के भी ऐसा लगा था कि कैसे होई सब कुछ अब तू जल्दी से जवाब दे दे बस ठीक है ऐसे मुंडी हिलावे से काम ना चली बबुआ चला जल्दी से नीचे आ जा माई हमरा की एक बात बता केहू के पहचाने खातिर का एक ही मुलाकात जरूरी बा हमरा हिसाब से तो ओकरा से कई बार मिले के पड़ेला समझे के पड़ेला बूझे के पड़ेला हम कैसे एक मुलाकात में केहू के अपन दर्द बता दें कैसे बता दें कि आज भी हम अंधेरा देख ली तो हमार चीख निकल जाला कैसे केहू के इतना आसानी से अपने दर्द के हकदार बना दें साझेदार बना दें पार्टनर बना दें हमरा बुझाता कि ये विषय पर प्रियंका से और बात करनी जरूरी बा और मिलल जरूरी बात अब हम तो तारा कहले रानी नू कि ओकरा से मिल के बैठ के तनी बात कर ला तू ही ना मान ला हमार बात समय तो रहे तारा लगे बबुआ मई का हर्ज बा की बात धीरे धीरे बढ़े रुआ का तनी निखिल जे लेकी दूसर के सेवा अपन जान से करेली का ऊ लेकी अपन पति के विपत्ति में छोड़ दी ना तू भुला गई ला बबुआ उ कल का कले रानी कि हम अपन अंतिम प्रयास करें तोहर अंधकार और तोहर डर के मिटावे खातिर बबुआ हमरा लागता कि भगवान के ही कौनो इशारा बा अब सोचा ना ओकर कदम घर में पड़ल ना कि हमार मन के सब दुख दूर हो गई सब मुसीबत दूर हो गए हो सकता कि तोहार जोड़ी भगवाने बनवले पाड़न
माई हमरा के एक बात बता कि तारा की खुशी मिली अगर हम प्रियंका से शादी कर लेते। एकर मतलब तू राजी हो गई ला?